दोस्तों, हेयर लॉस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। वैसे तो बालों के टूटने और झड़ने के लिए आपने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन एक चीज जो आपको कोई भी नहीं बताता है वो ये है कि आखिर आपके बालों के टूटने के पीछे, झड़ने के पीछे, गंजा होने के पीछे असल कारण क्या होता है। पुअर डाइट, स्ट्रेस, कोई लंबी सी बीमारी या फिर थायराइड की वजह से तो बाल झड़ते ही हैं, लेकिन इन सब कारणों के अलावा एक बहुत बड़ा कारण होता है जो लगभग 50% पुरुषों और महिलाओं में बाल झड़ने का कारण बन सकता है, वो है DHT यानी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये एक हार्मोन होता है जो कि बालों की जड़ों को कमजोर करता है, जिससे कि धीरे धीरे बाल पतले होते चले जाते हैं, फिर झड़ने लग जाते हैं और अंत में सर गंजा होने लगता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगी जो कि नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर DHT को ब्लॉक करते हैं और बालों को टूटने और झड़ने और गंजेपन को रोकने के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, DHT एक मेल हार्मोन है, यानी टेस्टोस्टेरोन जो होता है इसका एक्टिव रूप DHT कहलाता है, और इसी वजह से अक्सर लोग सोचते हैं कि DHT की वजह से फीमेल्स के अंदर हेयर फॉल नहीं हो सकता है। लेकिन जान लीजिए कि फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन की थोड़ी बहुत क्वांटिटी पाई जाती है, और कई बार देखा जाता है कि फीमेल्स के अंदर जो हेयर फॉल हो रहा है उसका कारण ये DHT ही है। अब ये DHT हमारे हेयर फॉल को कैसे ट्रिगर करता है ये जान लेते हैं। तो देखिए, हमारे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं यहाँ पर जाके ये DHT पहले जमा होता है और उसके बाद हमारे हेयर फॉलिकल्स को ये थिन करना शुरू कर देता है, उन्हें सिकुड़ना, कमजोर करना शुरू कर देता है। जब एक बार हमारे हेयर फॉलिकल सिकुड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे हेयर की थिकनेस कम होने लगती है, और इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर हेयर फॉल होने से पहले बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। जब ये बाल हमारे पतले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और इनके अंदर ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं हो पाती है, उसके बाद सेकेंड स्टेज के अंदर क्या होता है कि ये जो हेयर है वो जड़ों को छोड़ देते हैं, फॉलिकल्स को छोड़कर गिर जाते हैं और दोबारा से फिर वहाँ पर बाल नहीं उग पाता है, और यही कारण है कि DHT की वजह से जो हेयर फॉल होता है वो परमानेंट होता है, उसमें दोबारा बाल नहीं उग पाते हैं। वैसे DHT की वजह से होने वाले हेयर लॉस को रोकने की अगर बात की जाए, इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो आजकल इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी थेरेपीज अवेलेबल हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको DHT ब्लॉकर्स ही देते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर DHT को ब्लॉक करने का काम करते हैं, जिससे आपको हेयर लॉस में फायदा मिलता है। लेकिन दोस्तों, इन दवाइयों को लेने से आपको कई तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और एक बहुत ही मेजर साइड इफेक्ट जो इन दवाइयों से आपको मिल सकता है वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी मर्दों के अंदर सेक्सुअल वीकनेस का हो जाना। दोस्तों, अगर आपको भी DHT की वजह से हेयर लॉस हो रहा है तो आप बजाय एलोपैथी DHT ब्लॉकर्स लेने की जगह नेचुरल चीज़ों को अपनाएं, ताकि आपको ये साइड इफेक्ट्स वगैरह देखने को ना मिले और आपका DHT भी ब्लॉक हो और हेयर लॉस में भी आपको फ़ायदा मिले। दोस्तों, मुख्य रूप से तीन तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल DHT ब्लॉकर्स का काम करते हैं। ये तीन न्यूट्रिएंट्स हैं जिंक, लाइकोपीन और बायोटीन। कोई भी ऐसी खाने पीने की चीज़ जिनके अंदर ये तीन चीज़ें होंगी वो हमेशा आपके बॉडी के अंदर जाके DHT को ब्लॉक करने का काम करेंगी, और आपको इससे हेयर लॉस में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो सबसे पहले वो फूड जो जिंक से भरपूर होते हैं वो हैं पालक, सलजम, मशरूम, मटर, दालें, सोयाबीन। इन सभी चीज़ों के अंदर जिंक के साथ साथ फाइटोस्टेरॉल्स भी होते हैं जो कि बॉडी के अंदर DHT को बनने से रोकते हैं, और साथ ही साथ हमारे सर में हमारे बालों की जो जड़ें होती हैं वहाँ पर DHT को जमने से रोकते हैं, जिसकी वजह से बाल पतले होकर टूटते नहीं हैं, हमारे हेयर फॉलिकल स्वस्थ बने रहते हैं, खराब नहीं होते हैं, और इसी वजह से इन सभी चीज़ों को रोजाना खाने से हेयर फॉल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। दोस्तों, नेक्स्ट है लाइकोपिन रिच फूड्स। ये भी एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि DHT को बॉडी में बनने से रोकता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स हेल्दी बने रहते हैं और हेयर फॉल भी कम होता है। लाइकोपिन सबसे ज़्यादा टमाटर के अंदर पाया जाता है, इसके अलावा गाजर, तरबूज और आम के अंदर भी पाया जाता है, तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर खाना चाहिए।
ताकि आपके बाल झड़ने की जो समस्या है उसमें आराम मिल सके, आपका डीएसटी बॉडी में ब्लॉक हो सके और साथ ही साथ इसकी वजह से जो हेयर फॉल हो रहा है वो भी रुक सके। दोस्तों, नेक्स्ट है बायोटिन रिच फूड्स। बायोटिन एक बहुत ही पावरफुल बी विटामिन है जो हमारी स्किन और स्कैल्प दोनों को नरिश करता है। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और केराटिन सिंथेसिस में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। केराटिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि हमारे बालों को बनाने का काम करता है, यानी हमारे बाल जो हैं वो केराटिन से ही बने होते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बायोटिन हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। बायोटिन आपको बेरीज के अंदर, दालों के अंदर, केले के अंदर और नॉन वेजिटेरियन आइटम्स जैसे लीवर और फैटी फिशेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो इन चीज़ों को भी आप अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए और देखिए कि इससे आपके हेयर फॉल में कितना ज़्यादा फायदा मिलता है। इन तीन फूड कैटेगरीज के अलावा कुछ और फूड्स भी हैं दोस्तों, जो इस डीएसटी को ब्लॉक करके बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ग्रीन टी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कि आपकी बॉडी के अंदर डीएसटी को ब्लॉक करती है। इसमें EGCG नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि डीएसटी को ब्लॉक करता है और आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज होने से बचाने का काम करता है। तो रोजाना 2 से 3 कप ग्रीन टी आपको हेयर लॉस को रोकने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। इसी तरह से हल्दी भी एक नेचुरल चीज़ है जिसमें मौजूद कर्क्यूमिन डीएसटी को ब्लॉक करने का काम करता है और बालों को स्वस्थ रखता है। हल्दी को आप पानी में या फिर दूध में डालकर रोजाना पी सकते हैं और अगर आप इसमें एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर भी डाल लें तो इससे कर्क्यूमिन जो है इसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर और अच्छी तरह से होने लगेगा और आपको और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो रोजाना सोने से पहले एक गिलास पानी में या दूध में आप आधा या एक चम्मच हल्दी पाउडर मिलाइए, इसमें ऊपर से एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालिए और पी लीजिए। इसी तरह से कोकोनट ऑयल भी डीएसटी को ब्लॉक करता है। इसको भी आप अपने बालों में हफ्ते में कम से कम 3 बार जरूर लगाएं। इससे आपके बाल नरिश होंगे, आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, आपके बालों को पोषण भी मिलेगा और बालों का टूटना झड़ना भी कम होगा। दोस्तों, प्याज भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो डीएसटी को ब्लॉक कर सकती है। प्याज के अर्क को निचोड़कर आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों की जड़ों में नहाने से आधा घंटा पहले लगाइए और फर्क देखिए। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए और अपने बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।